सो आज मैं यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ ब्रूस्टो के ब्रशेस का। फाइन, सो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा आर्टिस्ट होग हेयर ब्रश है ये, एंड 13 का ये पैक है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे इन्होंने किट भी दिया, आप देख सकते हो अभी तक पैकिंग है, मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। सो आपके सामने अभी मैं इसको ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। अभी अभी न्यू ही मैंने ऑर्डर किया है। सो यहाँ पे 13 हमें यहाँ पे सेट सेट ऑफ मतलब 13 यहाँ पे हमें ब्रशेज़ मिलते हैं, 1 to 13 तक नंबर है यहाँ पे। एंड यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पे इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ऑयल एंड एक्रेलिक पेंटिंग के लिए है, बट मैं इसे ऑयल एंड एक्रेलिक पेंटिंग के लिए यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ चारकोल के लिए, चारकोल को ब्लेंड करने के लिए। ओके, कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऑयल या एक्रेलिक के लिए ही बेस्ट हैं, चारकोल भी हम यहाँ पे अभी करके देखेंगे। मैंने इससे पहले नहीं किए, सो न्यू है मेरे पास। पहली बार मैंने इतने महंगे ब्रश लिए हैं। ओके, अगर प्राइस की बात करें तो ये मुझे 1150 रुपीज़ का पड़ा है, ठीक है। एंड बाकी आप अमेज़ोन पे चेक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी के नज़दीक आपको प्राइस मिलेगा। एंड आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी सीधा, क्रिएटिव हैंड मटेरियल्स की वेबसाइट पर जाकर भी आप सीधा परचेज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहते हैं तो। एंड इससे पहले मैंने मेकअप ब्रश यूज़ किया है, थोड़ा उसमें डिफ़िकल्ट ये रहता है कि वो थोड़े साइज़ में छोटे हैं, इसलिए मैंने कहा चलो इस बार कुछ अच्छे ब्रशेज़ मैं यहाँ पे, वो भी अच्छे हैं ऐसी बात नहीं है, मैंने अब तक 6 से 7 साल हो गए हैं वही ब्रश यूज़ मैं करता आ रहा हूँ, ठीक है। पैकिंग ओपन करते हैं एंड देखते हैं कैसे हैं, मैं अभी फर्स्ट टाइम ही देखने लगा हूँ इनको, एंड फिर इसका यूज़ भी करके देखेंगे, अभी ब्लेंड करके देखेंगे। मेन ब्लेंडिंग के काम ही आते हैं ब्रश, और किसी चीज़ के काम तो क्या आए, पेंटिंग वगैरह के लिए चलो काम आते हैं, बट मैं यहाँ पे पेंटिंग तो नहीं करने वाला हूँ, चारकोल का ही मैं काम करने वाला हूँ, चारकोल से। यहाँ पर देख सकते हो किट है इन्होंने, काफ़ी अच्छी किट है ये, एंड इसको करते हैं ओपन। ओके, यहाँ पे हमने इसको कर लिया है ओपन। आप देख सकते हैं 1 to 13 नंबर तक ये ब्रश है, पर यहाँ पर जो ब्लेंडिंग के काम आने वाले हैं वो सभी तो मैं काम ले भी सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्ट्रेट, वैसे अभी तक मैं मैक्सिमम A1 साइज़ तक ही गया हूँ, इससे बड़ा साइज़ मैं नहीं गया हूँ कभी भी, बट हो सकता है आने वाले टाइम में A1 साइज़ से बड़े पोर्ट्रेट भी ड्रॉ करें या कुछ समथिंग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड या शायद मैं ऑयल या एक्रेलिक पेंट भी जा सकता हूँ आने वाले टाइम में, बट उसके लिए अलग ब्रश चाहिए होंगे, सेम चारकोल वाले तो मैं यही नहीं यूज़ करने वाला। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं। काफ़ी हार्ड है अभी ये, जैसे जैसे इसको यूज़ करेंगे तो आई थिंक ये सही हो जाएंगे। अभी यहाँ पे हम सिंपल एक नंबर ले लेते हैं, उससे हम ब्लेंड भी करके देखेंगे, एक ही ब्रश का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके जो हेयर्स हैं अभी बहुत हार्ड लग रहे हैं मुझे, बट जैसे जैसे आई थिंक यूज़ करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। ज़्यादा जो ब्रश यूज़ होने वाले हैं वो 1 से लेकर 5, 6, 7 नंबर तक के यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा बड़े शीट पर मैं काम नहीं करूँगा, यस बैकग्राउंड अगर करना हो तो काफ़ी बेस्ट है, एंड काफ़ी लंबे ही हैं एंड बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा इससे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी जो भी मैंने अभी तक यूज़ कर रहा हूँ वो छोटे छोटे से ब्रशेज़ है, उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और चारकोल जैसे आपको पता ही है काफ़ी डस्टी वर्क है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो सभी ब्रशेज़ है वो हार्ड ही हैं, तो जैसे जैसे यूज़ करेंगे शायद तभी थोड़ा सही होगा ये। एंड क्योंकि मुझे वाटर तो यूज़ करना ही नहीं है, जस्ट ओनली ब्लेंड करना है। एंड अगर देखा जाए तो जैसे ये सबसे एक नंबर वाला ब्रश है, एक नंबर वाला ही है, यस ये एक नंबर वाला ही है, काफ़ी हार्ड है। एंड चलो अभी हम ब्लेंड करके देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चारकोल पेंसिल यूज़ करके फिर ब्लेंड करते हैं किस तरह से ब्लेंड होता है। ओके, यहाँ से एक ब्रश यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यही वाला ले लेते हैं, फाइन। इससे ब्लेंड करके देखते हैं किस तरह से ब्लेंड होता है। बाकी रिव्यूज़ पढ़ के ही मैंने इसको परचेज़ किया है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, एंड ब्रांड तो आपको पता ही है ब्रूस्टो का ब्रांड है। इससे पहले भी मैंने एक सेट लिया था ब्रश का, बट उसे मैंने यूज़ नहीं किया, वो ख़राब हो गए जब मैंने पेंटिंग ही बीच में स्टार्ट करी थी, सीखी हुई है मैंने वैसे पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो, तब मैंने 300 to 400 रुपीज़ का कैमलिन का सेट लिया था, यदि कैमलिन के वो ब्रशेज़ थे, एंड अभी भी हैं मेरे पास बट थोड़ा ख़राब हुए पड़े, मैंने इतना यूज़ किया नहीं उनको। इसमें मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा बेस्ट हैं उनसे। यहाँ पे शीट भी मैंने ब्रूस्टो की ही ली है। एंड ब्रूस्टो की शीट यहाँ पे ली है, एंड हल्का सा यहाँ पे पेंसिल के साथ शेड कर लेते हैं, फिर उसको ब्लेंड करते हैं। एंड इसके बाद मैंने एक कॉम्पोजिशन आर्ट बनाई हुई है,
और उसे ब्लेंड नहीं किया हुआ है, जस्ट ओनली टेक्सचर लगाया हुआ है। फिर उस पे ब्लेंड करके देखेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे एंड ब्लेंड देख करने के बाद देखते हैं कैसी लगती है वो, क्योंकि अभी भी काफ़ी अच्छी लग रही है वो, दिखाऊंगा मैं अभी। पहले इसको ब्लेंड कर लेते हैं। सो सिंपल बिना प्रेशर से मैं यहाँ पे पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है कैमलिन की, बिल्कुल सिंपल पेंसिल है ना। एंड इसके ऊपर अब हम यहाँ पे ब्लेंड करके देखते हैं ब्रश के साथ, हो ही जाएगा आई नो। सो काफ़ी इजीली ब्लेंड हो रहा है, एंड ये आप देख सकते हो काफ़ी इसमें स्ट्रोक थे जो कि बिल्कुल इजीली वो कवर हो चुके हैं, एंड पाउडर भी काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है। फाइन, सो काफ़ी स्मूथ ब्लेंड हुआ है। अगर देखें तो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, काफ़ी डार्क बैकग्राउंड करना हो तो काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कितना नंबर है, 5 या 6 नंबर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसका ब्रश का, तो 13 नंबर तक हमारे पास ब्रश हैं, तो काफ़ी ईजिली हम ब्लेंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बिना मैंने किसी स्ट्रोक के, यहाँ चार पेंसिल का बिना यूज़ किए सीधा पाउडर से मैं यहाँ पे देख सकते हो ब्लेंड कर सकता हूँ। जैसे हमें अगर फेस का वो ब्लेंड करना है तो हम सीधा पाउडर से ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। सो उसी तरह से मैं यहाँ पे सिंपल पाउडर की हेल्प से यहाँ पे शेड दे रहा हूँ। ओके, सो काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे, नो डाउट। ओके, सो नाउ यहाँ पे मैं ड्राइंग पे, हम यहाँ पे ड्राइंग पे चेक करते हैं इसको ब्लेंड करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉम्पोजिशन आर्ट है ये जो कि मैंने ड्रॉ की हुई है, और आप देख सकते हो सिंपल टेक्सचर लगाया हुआ है, इसे ब्लेंड नहीं किया हुआ है, बस हल्का सा मैंने फिंगर की हेल्प से इसको हल्का सा जरूर ब्लेंड किया हुआ है। सो इस पर हम यूज़ करते हैं, इसको ब्लेंड करते हैं हम हल्का हल्का। मैं बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो बहुत डार्क हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हल्का मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। सो नो डाउट काफ़ी इजी ब्लेंड हो रहा है, मैं बिल्कुल प्रेशर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हल्का यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया। सो इसको पूरे को करते हैं फिर आपके सामने, अभी जितना भी किया उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट चारकोल वर्क है और टेक्सचर में ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे, और अगर स्मूथनेस देनी हो तो हमें ब्लेंड करना पड़ेगा। सो बैकग्राउंड वाले पार्ट पर मैंने प्रेशर का यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे टेक्सचर बहुत मोटा लगा हुआ है और कम भी लगा हुआ है। एंड अगर आप डार्क वाले पार्ट्स को देखोगे तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है, ठीक है। तो ब्रश काफ़ी अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है कि हमें नहीं लेने चाहिए। अगर आपको वर्क करना है, अच्छा करना है, अपने आप को बेटर बनाना है तो आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, देखो, ठीक है। इससे पहले मैं भी मैं 100-150 वाला सेट था जो मैं यूज़ करता, अभी भी यूज़ करता हूँ और मैं करता रहूँगा। ये सिर्फ मैंने चारकोल के लिए यूज़ मंगवाए हैं ब्रशेज़, लेने ही थे मुझे ब्रशेज़, तो मैंने इस बार थोड़े बेस्ट ब्रशेज़ लिए, अच्छे ब्रशेज़ लिए हैं, तो वो भी बेस्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सभी को रिकमेंड करता हूँ। वही ब्रश आज जो मेकअप ब्रश मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, ग्रेफाइट के लिए यूज़ करता हूँ, मैं चारकोल का भी के लिए भी यूज़ करता ही हूँ, दोनों अलग अलग सेट हैं मेरे पास। सो जो भी आप मेरी ड्राइंग स्केचेस देखते हो उसमें सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट का कारण ये भी है जो मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जब भी मैं कुछ इन्वेस्ट करता हूँ या कोई नया प्रोडक्ट लेकर आता हूँ सो उससे मेरी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मिलता है। सो कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपने भी कभी नोटिस किया हो या आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कमेंट ज़रूर करना, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है एंड कहीं ना कहीं होता जरूर है, और ये सच बात है। अगर आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो और उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को भी रोक रहे हो, ओके। अपनी आपकी इंप्रूवमेंट इतनी नहीं होने वाली जब तक आप कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करोगे या कुछ नया परचेस नहीं करोगे। यस, अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है, एंड अपने आप को भी इम्प्रूव करिए, अपने अंदर ग्रोथ लेकर आइए। फाइन, सो आई होप कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, एंड काफ़ी अच्छे हैं ये ब्रशेज़, नो इशू, कोई डाउट नहीं है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ ऐप पढ़ भी सकते हो वहाँ पे जाके। सो परचेज़ करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़
कर सकते हो। ओके, सो एक ड्राइंग, ये ड्राइंग भी जरूर बताना आपको कैसी लगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच।